नंबर 24 न्यूज़, सच वही जो दिखेगा। उपराजधानी दुमका में छात्र चेतना संगठन द्वारा दुमका नगर प्रमुख प्रिंस राज वर्मा के नेतृत्व में संताल हुल के महानायक सिद्धो कानो के आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण करके केंद्रीय कार्यालय से रैली के रूप में निकल दर्जनों सीसीएस योद्धा मोटरसाइकिल पर सवार पोखर चौक स्थित आदमकद प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। सिद्धो कानो के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रमुख हिमांशु मिश्रा ने कहा कि वास्तव में आज फिर से एक हुल की आवश्यकता पड़ी है। सत्याग्रह हुल को फिर से हमारे बीच सिद्धो कानू चांद भैरव जैसे वीर नौजवान और चाय चंपा सिरख वीर अंगनों की आवश्यकताओं आन पड़ी है। आज हुल यानी क्रांति दिवस पर माँ भारती के बलि बेदी पर अपना शहादत देने वाले अमर शहीद सिद्धो कानो को सत सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी अपने अंदर राष्ट्रभक्त का ज्वाला जागृत कर एक जात पात छुआछूत अंधविश्वास जैसे सामाजिक कुरीतियां रहित समृद्ध वैभवशाली स्वाभिमानी और शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करें। क्षेत्रीय प्रभारी राजीव मिश्रा ने कहा कि सिद्धो कानो मुर्मू के शहादत दिवस पर छात्र चेतना संगठन परिवार सरकार से अपील करती है कि वो उनके वंशज रामेश्वर मुर्मू के हत्यारे को जल्द से जल्द सजा दिलाएं। इस मामले में सरकार की उदासीनता दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र चेतना संगठन परिवार सरकार से सीबीआई जांच की मांग करती है। माल्यार्पण कार्यक्रम के मुख्य रूप से जिला सचिव महासचिव विशाल सिंह, जिला संगठन अमित यादव, विनय पंडित अन्य उपस्थित थे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। के लिए अनुकरणीय है और आज की जो वर्तमान व्यवस्था है मुझे लगता है कि आज फिर से एक हुल की आवश्यकता है, लेकिन वह हुल सत्याग्रह हुल होगा, वह हुल शिक्षा के लिए होगा, वह हुल गरीबी को दूर करने के लिए होगा, वह हुल किसानों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए होगा, वह हुल देश को समृद्ध करने के लिए होगा, वह हुल देश के संप्रभुता को मजबूत करने के लिए। आप अपना परिचय देंगे? हिमांशु मिश्रा, केंद्रीय प्रमुख छात्र चेतना संगठन परिवार।